नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है प्रेम गीत थर्ड को लेकर। जी दोस्तों, नेपाल की ये फिल्म अब काफी ज्यादा चर्चा में आ चुकी है। यहाँ तक कि यहाँ पे बॉलीवुड के कई स्टार्स भी इसे लेकर इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे चहेते कह सकते हैं हम अक्षय कुमार की, जिन्होंने इस पर यहाँ पे बयान दिया है। ऐसी खबरें सामने आई है। अब यहाँ पे अक्षय कुमार ने प्रेम गीत थर्ड के बारे में क्या कह दिया है, जो कि आज का सबसे बड़ा टॉपिक बन सकता है, ऐसे कह सकते हैं हम। तो इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेम गीत थर्ड का इंतजार हर कोई कर रहा है। हर कोई की जबान पर आज प्रेम गीत थर्ड है। और अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल के अंदर हर कोई बंदा यही चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी ये फिल्म रिलीज हो। यानी कि 23 सितंबर का हर किसी को इंतजार है। और इसका जो ट्रेलर आने वाला है, उसका भी बेसब्री से यहां पे इंतजार किया जा रहा है, ना केवल नेपाल में बल्कि यहां पे इंडिया के अंदर भी। क्योंकि हमने जहां तक देखा है दोस्तों, इसके जो गाने हों, चाहे वो कोई ना कोई नाता है तुमसे जो गाना काफी ज्यादा हिट रहा है, और इसके साथ साथ इसका टीजर भी, दोनों के दोनों टीजर काफी ज्यादा हिट रहे हैं। जी म्यूजिक कंपनी पर जो टीजर आया था वो तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहा था, ट्रेंडिंग करा था, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे सुकून की बात है प्रेम गीत थर्ड के लिए। और इसी के बीच यहाँ पे एक बड़ी खबर ये भी आ रही है दोस्तों। वैसे देखा जाए तो मैंने सर्च किया था, ऐसा कोई प्रोफेशनल यहाँ पे न्यूज चैनल नहीं बताता कि अक्षय कुमार ने कुछ कहा है, लेकिन फिर भी जहां तक यहाँ पे सूचनाएं मिल रही हैं, जहां तक रिपोर्ट्स देखी है मैंने, जैसे कि यूट्यूब पे या फिर अदर सोशल मीडिया एप्स पे, उसके हिसाब से यहाँ पे हम बात करेंगे, तो कहा जाता है कि जब एक इंटरव्यू के दौरान यहाँ पे अक्षय कुमार को पूछा गया कि आपकी फिल्में फ्लॉप क्यों हो रही हैं और नई नई इंडस्ट्रीज यहाँ पे इंटर कर रही हैं और काफी ज्यादा बवाल कर रही हैं, इसी के साथ ही उन्हें एक चीज और पूछी गई थी। उन्हें पूछा गया था कि एक नई इंडस्ट्री, जो कि नेपाल इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, उसकी एक फिल्म जो कि फर्स्ट इंडो नेपाली फिल्म कहलाई जा रही है प्रेम गीत थर्ड, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या वो फिल्म हिट करेगी? क्या वो फिल्म बायकॉट होगी, जिस तरह से बॉलीवुड अब बायकॉट हो रहा है? क्या वो फिल्म फ्लॉप कर जाएगी? ये सारे सवालात यहाँ पे किए जा रहे थे। उस समय यहाँ पे अक्षय कुमार ने पहले बॉलीवुड का जिक्र करते हुए बताया कि बॉलीवुड अपनी गलती से पीछे रह रहा है, कहीं ना कहीं हमारे कंटेंट में वो चीज़ नहीं रही जो कि ऑडियंस को चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों बायकॉट की, तो खासतौर पर यही बायकॉट हो रहा है क्योंकि स्टोरीज में दम नहीं आ रहा है। और अक्षय कुमार ने एकदम स्टीक पॉइंट को पकड़ा कि कंटेंट वो चाहिए जो कि फैंस चाहते हैं, कंटेंट वो नहीं बनाना चाहिए जो कि हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें देखना नहीं है, हमें दिखाना है, लोगों को खुश करना है, और अगर लोग खुश होंगे तभी बॉलीवुड आगे जाएगा। और इसके बीच में अगर हमें कुछ करना है तो हमें लोगों के अंदर जाकर वो चीज देखनी होगी जो कि वो देखना पसंद करते हैं। उसके साथ ही यहां पे जो इंडो नेपाली फिल्म प्रेम गीत थर्ड है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि यहां पे ये फिल्म करनी चाहिए। उसका रीजन उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि फर्स्ट टाइम कोई नई इंडस्ट्री ये आ रही है, दूसरी बड़ी बात कि ये हिंदी डब है तो यहां पे लोग देखना चाहेंगे। अभी तक लोगों ने सुना है कि नेपाल की स्टोरीज है वो डिफरेंट होती है, लेकिन अब वो लोग देखना भी चाहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की जनता एक मौका जरूर देके देखेगी कि यहाँ पे नेपाली फिल्म इंडस्ट्री किस लेवल पर वर्क करती है, या फिर ऐसे कहें कि ये जो फिल्म है वो कम बजट में बहुत ज़्यादा सुपर डुपर बताई जा रही है, तो इस कम बजट में किस तरह से उन्होंने मेंटेन करा है, किस तरह से उन्होंने पिक्चर्स ली हैं। टीजर को देखते हुए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि ये फिल्म यहाँ पे हिट करने वाली है। दूसरी बड़ी बात कि बायकॉट तो इसका बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिससे कि प्रेम गीत थर्ड को बायकॉट किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये एक सवाल बनता है कि जब बायकॉट नहीं होगी ये फिल्म, तो क्या ये हिट कर जाएगी? क्या ये करोड़ों की वो कमाई कर जाएगी जिसमें यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा ऊपर, कि वास्तव में
एक फॉरिजन फिल्म जो कि इतिहास रच कर गई है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे नेपाली इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगी इंडिया के अंदर और अपनी फैन फॉलोइंग बनाने में भी कामयाब हो जाएगी, जो कि नेपाली इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें इसका इंतजार भी रहेगा और आगे भी बहुत सारी फिल्में आ सकती हैं नेपाली इंडस्ट्री की। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।